दिल्ली बहादुरगढ़ सड़क पर मैं एक ट्रैक्टर पर सवार हूं और ये तमाम किसान कल होने वाले ट्रैक्टर परेड के लिए टिकरी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तमाम किसान जो हैं आगे ट्रैक्टर के आगे देखिए तिरंगा भी लहरा रहा, किसान यूनियन का झंडा भी लहरा रहा और उसके बाद ये तमाम किसान ट्रैक्टर पे सवार और देखिए किस प्रकार हुक्का भी है साथ में। सबसे महत्वपूर्ण हरियाणा की पहचान ये हुक्का और ये हुक्का भी है और हुक्का यहाँ पे लगातार लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं? मोखरा गाँव। आप बताइए कल का परेड कैसा रहेगा? एक नंबर का रहेगा, एक नंबर परेड रहेगा। हाँ, मोदी को दिखा देंगे, तू बनाया था ना, नुआ नीचे उतार देंगे। देखिए आप एक बात बताइए, क्या सरकार पर दबाव बनेगा कल? बनेगा जी, दबाव बनेगा। तीन कानून, देखिए ये तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनेगा, यहाँ पे युवा भी हैं साथ में और देखिए ये तमाम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है सरकार पर दबाव बनेगा? आप लोग इतना बड़ा परेड बनेगा, तार देंगे, आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए सभी युवा मेरी तरफ आगे बढ़ के आ रहे हैं और इनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे। आज 61 दिन हो चुका है, कल 62वां दिन होगा गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का परेड। कल को हमारी परेड देखने वाली होगी, ठीक है, सारे दिल्ली वासी हमारी परेड देखेंगे। ऐसी परेड ना तो पहले हुई है और ना ही होगी, ऐसी परेड करेंगे हम। और जो मोदी कहते हैं ना, जो बिल नहीं वापस लेंगे, बिल वापस उसे लेने पड़ेंगे, वापस लेने पड़ेंगे। ये तो सरकार पर दबाव बनेगा? दबाव बन चुका है, सरकार बिल्कुल हिल चुकी है और डर के मारे भाग रही है, तड़फड़ा रही है और सरकार को जो बिल रद्द करने ही पड़ेंगे। तो सरकार को बिल कर रद्द करेंगे, तमाम ये युवा किसान जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको पीछे भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे तमाम ट्रैक्टर भी चले आ रहे हैं। ये दृश्य है अगल बगल इस सड़क पे, आप देखिए ये रोहतक बहादुरगढ़ का सड़क है। ये जो तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, ये करीब 61 दिनों से किसान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पे यहाँ पे जमे हुए हैं और अब ये ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है कल का परेड, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। हाँ। सरकार मानेगी? मानेगी ना परेड में। हम पजाड़ वाले हैं और जे हरियाणा वाले हैं हमारे ताऊ। हाँ। हमको एक कर दिया इन्होंने। हाँ। ये जे अच्छी बात हुई, इसे हरियाणा पंजाब की एकता बच्चों से जो सियासत कर रही थी कि धर्मों के साथ बंटवारा, जातों के साथ बंटवारा और हमें एक कर दिया, इसलिए हम इनका धन्यवाद भी करते हैं और इनकी जड़ें पुट्टी की पूरी तरह से उखड़ चुकी है। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा एकता वाकई में, क्योंकि टिकरी बॉर्डर पे मैं पिछले कई दिनों से आंदोलन के पहले दिन से मैं हूँ तो लगातार ये बने हुए हैं और पंजाब अगर हरियाणा के लोगों का सहयोग नहीं होता तो शायद इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता। तो पंजाब और हरियाणा के एक के लोगों की एकजुटता साफ तौर पर नजर आ रही, क्योंकि इस ट्रैक्टर पे पंजाब के भी किसान सवार हैं और हरियाणा के भी किसान सवार हैं और कल ट्रैक्टर परेड निकलेगा जो कि बताया जा रहा है कि वो अपने में बहुत ही ऐतिहासिक होगा। वो देश जो है आजादी के बाद कभी इतना बड़ा परेड जो है वो कभी नहीं हुआ, किसानों का इतना बड़ा परेड नहीं देखने को मिला जो परेड कल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कई लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है जी, ये अभी सभी वहाँ पर जाएंगे टिकरी बॉर्डर, कल हम परेड करेंगे वहाँ पर, परेड करेंगे। देखिए सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पे सवार है, मैं भी ट्रैक्टर पे सवार हूँ। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर लगातार टिकरी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है और जाहिर तौर पर किसान अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं और उनका ये दावा है कि इसके जरिए सरकार पर दबाव बनेगा, एक बड़ा आंदोलन हो रहा है और जाहिर तौर पर इस ट्रैक्टर परेड जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी, इनका दावा है। करुणा संजय के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24 दिल्ली बहादुरगढ़।